Hello friends and welcome to Adda 247. You are watching SBIPO Clerks English Class. तो बच्चों हम लोग डेली यहाँ पर आते हैं, अलग अलग चीज़ें देखते हैं, अलग अलग चीज़ें सीखते हैं. तो वो सभी लोग जो आज यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं, मैं चाहूँगा उनका स्पेशल स्वागत किया जाए. और राइट एंड माई डियर फ्रेंड्स, अगर आप रेगुलरली क्लासेस देख रहे हो यूट्यूब पे इंग्लिश की, तो ऐसी कोई ताकत नहीं है जो कि आपका SBIPO या SBI क्लर्क का इंग्लिश पेपर खराब कर दें. सो माय डियर फ्रेंड्स, वेल माय नेम इज सौरभ डे, आई होप ऑल ऑफ यू नो दैट. और इससे पहले के जो सेशन हम लोग स्टार्ट करें आज का, मैं चाहूंगा सभी लोग बढ़िया से एक बार लिख लें कॉमेंट सेक्शन में, इंग्लिश फॉर SBIPO एंड क्लर्क इक्वल्स टू 1 PM एंड 1 PM इक्वल्स टू इंग्लिश फॉर SBIPO एंड क्लर्क. सो गाइज एवरीबडी, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, सभी लोग बच्चों लिख लो यहाँ पर, इंग्लिश फॉर SBIPO एंड क्लर्क इक्वल्स टू 1 PM एंड 1 PM इक्वल्स टू इंग्लिश फॉर SBIPO एंड क्लर्क. तो चलिए, तो बच्चों देखो, अब हमने डिसाइड किया है कि आपको कुछ न्यू पैटर्न सवाल भी कराए जाए. जाहिर सी बात है, SBIPO या SBI क्लर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यू पैटर्न सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज SBIPO या SBI क्लर्क में ज़्यादातर न्यू पैटर्न क्वेश्चंस ही आते हैं. तो अगर आपको ये नए पैटर्न के सवाल नहीं आए, अगर आपने इनको प्रैक्टिस नहीं किया, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. अगर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे तो फिर आप कैसे क्वालिफाई करोगे बच्चों मेन्स के लिए, है कि नहीं? तो इसीलिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल मेन्स क्वालिफाई करवा के रहे, और इसीलिए जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो हम आपकी करवा के देंगे. तो बच्चों चलिए और देरी नहीं करते हैं, तो जो पहला सवाल है उससे पहले जो गाइडलाइंस है आज के सवाल के लिए, चलिए उसको देख लेते हैं. लेट्स हैव द फर्स्ट स्लाइड देन. ओके, तो देखो यहां बताया जा रहा है आपको कि इनफैक्ट पैरा फिलर के सवाल हैं. आपको हर सवाल में 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है? 5 ऑप्शन में जो एक फ्रेज रहेगा, जो स्टेटमेंट रहेगा, जो कि आपके सवाल को कंप्लीट करेगा, सेंटेंस कंप्लीट करेगा, तो वो आपको चूज करना है. सो यू सिंपली हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन दैट कंप्लीट्स योर स्टेटमेंट, नथिंग एल्स. ओके गाइस, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. देखते हैं सवाल नंबर एक क्या है. लेट्स गो दैट, सी दैट. 3 साइंटिस्ट वर अरेस्टेड ब्लैंक स्पेस ऑफिशियल सीक्रेट्स रिलेटेड टू स्पेस टेक्नोलॉजी एंड लॉन्च मिशन विद फॉरेन एजेंट्स. तो बताइए बच्चों यहां पर आपके हिसाब से सही जवाब क्या हो जाएगा. योर ऑप्शन आर अबाउट द मिसमैनेजमेंट ऑफ द सीन विद शेयरिंग, ऑन द ग्रेव चार्ज ऑफ शेयरिंग, अबाउट द चार्ज ऑफ डिस्क्लोजिंग, नन ऑफ दीज. टाइम स्टार्ट नाउ, टाइमर स्टार्ट किया जाए. Hurry up guys, only 20 seconds left to answer, come on. Just 10 seconds left now, come on people, kya ho jayega batao. ओके, द टाइम इज अप. अब देखो बच्चों यहां पर साइंटिस्ट को अरेस्ट किया जा रहा है ऑफिशियल सीक्रेट्स के रिगार्डिंग, उन्होंने कोई काम किया है उसकी वजह से. तो आपको क्या लगता है बच्चों, ऑफिशियल सीक्रेट उन्होंने क्या किया होगा? भाई देखो, जाहिर सी बात है, या तो उन्होंने शेयर किया होगा, है ना, विद द शेयरिंग, राइट? तो मतलब हो सकता है कि ये जो आप देख रहे हो ऑप्शन बी, ये आपका आंसर हो, है ना. अब देखा जाए तो उनको अरेस्ट भी किया है, तो अरेस्ट अभी करते हैं जब कोई चार्ज लगता है आप पे, ठीक है, यानी कि कोई आप पे इल्जामात लगता है ना. तो इसीलिए ऑप्शन सी, ऑन द ग्रेव चार्ज ऑफ शेयरिंग. फिर देखा जाए बच्चों, तो जो ऑप्शन डी है उसमें क्या दिया हुआ है, अबाउट द चार्ज ऑफ डिस्क्लोजिंग. तो अब बच्चों या तो बी रहा होगा, या तो आपका आंसर सी रहा होगा, या फिर आपका आंसर डी रहा होगा. अभी हम लोग देखेंगे एग्जैक्ट आंसर क्या है, लेकिन मैं चाहूंगा एक बार फाइनल आंसर आप लोग अपना दे दें. 2 सेकंड का टाइम आपको दे रहा हूं. बताओ बच्चों क्या बोलते हो आप लोग, बी लगा देंगे, सी लगा देंगे, डी लगा देंगे, क्या लगा देंगे? टेल मी गाइस, क्या यहां पर चार्ज की बात होगी, ग्रेव चार्ज की बात होगी, या सिर्फ शेयरिंग की बात होगी? क्या बोलते हो बच्चों? लेट सी द एक्चुअल आंसर. सवाल दिखाया जाए जवाब क्या है इसका, and it is on the grave charge of sharing. जाहिर सी बात है बच्चों, अगर किसी को अरेस्ट किया जा रहा है तो बहुत ही जघन्य अपराध के लिए ही किया जा रहा होगा, जघन्य चार्ज के लिए ही किया जा रहा होगा. एंड यस, इट इज अ वेरी सीरियस चार्ज इफ द शेयरिंग ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स हैपन, एंड दैट टू बाय द साइंटिस्ट. ओके गाइस, तो 1 का सी इज द करेक्ट आंसर, एंड आई होप आप लोगों ने इसको लगा लिया होगा. चलिए इसको हम लोग हटा लेते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 2. So it has been unsympathetic blank space. Its errant police officers are arguing petulantly that there is no court direction to take disciplinary action against them. तो बच्चों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. आई एम श्योर कि नया सवाल है, नया टाइप का है, तो थोड़ा सा आप घबरा रहे होंगे, बट गाइस बस प्रैक्टिस करो, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो, आई एम श्योर आप लोग बढ़िया से परफॉर्म कर पाओगे. सो योर स्टेटमेंट्स आर राइट हियर, ऑप्शन आर ए बी सी डी ई. सही जवाब क्या हो जाएगा? टाइम स्टार्ट्स नाउ, सो हरी अप एन आंसर गाइस, कम ऑन.
20 seconds left, guys. What's the answer? Hurry up. Just 10 seconds left now, guys. Come on. ओके अब देखो बच्चों, एरेंट पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट में जो है कोई भी कोडायरेक्शन नहीं है एक्शन लेने के लिए. सो बेसिकली पुलिस ऑफिसर्स हु हैव नॉट बीन ड्यूटीफुल, देयर इज नो कोडायरेक्शन टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट देम. सो वी कैन सी ओवर हियर अ डिफेंस इज हैपनिंग. देखा जाए तो एक एक्ट को डिफेंड किया जा रहा है यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स को, जो कि गलत तरीके के पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको अरेस्ट करने के लिए जो डिसीजन है उसके अगेंस्ट में बात हो रही है. तो वेल बच्चों, अब देखा जाए तो यानी कि इस स्टेटमेंट में, इस नंबर दो में देखा जाए सवाल में, तो भाई जाहिर सी बात है अनसिंपथेटिक के बाद क्या हो सकता है? अनसिंपथेटिक फॉर द पुलिस टू डिमांडिंग. देखो टू डिमांडिंग तो वैसे भी नहीं होगा, इन्फिनिटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, आईएनजी तो आता नहीं है, तो हम पहले ही कह सकते हैं कि भाई देखो नंबर जो ए है आपका, ऑप्शन ए तो नहीं आएगा. फॉर द एक्शन विद इट्स, भाई एक्शन विद इट्स एरेंट पुलिस ऑफिसर्स कुछ नहीं होता है, एक्शन अगेंस्ट होता तो मान लेते हैं, ठीक है. तो बट देखा जाए तो यहां पर यह भी सूटेबल नहीं है, तो बी भी नहीं होगा. अब देखो सी में क्या दिया है, विद द डेवलपमेंट ऑफ इट्स एरेंट पुलिस ऑफिसर्स, विद द डेवलपमेंट ऑफ, वेल आप बताओ बच्चों कि आपको लगता है यहां पर विद द डेवलपमेंट ऑफ सही लग रहा है या फिर जो डी दिया हुआ है दैट इज टू द डिमांड फॉर एक्शन अगेंस्ट. तो 2 सेकंड्स दे रहा हूं, व्हाट डू यू थिंक गाइस, क्या सी With the development of, क्या ये बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है यहां पर स्टेटमेंट को देखते हुए, या फिर what do you say, unsympathetic to the demand of, एक demand थी उसके खिलाफ बिल्कुल भी संवेदना प्रकट नहीं करी गई है, ये होना चाहिए बच्चों. क्या बोलते हो आप लोग? Well, let's see the actual answer. सही जवाब जो है वो क्या है, दिखा दीजिए कमेंट जी. It is option D over here. That is to the demand for action against. ठीक है, तो भाई जाहिर सी बात है कि बहुत सारा डिमांड आ रहा है कि एक्शन लिया जाए जो बदमाश पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके अगेंस्ट में, लेकिन उनको डिफेंड किया जा रहा है और कहा जा रहा है कोई भी कोर्ट का डायरेक्शन नहीं है उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए. ओके, तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 का D इज द आंसर एंड आई होप आप सब लोगों ने इसको लगा भी दिया होगा. चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट वन, नंबर 3 क्या है, लेट्स सी अबाउट दैट. ओके, फॉर अ कंट्री वेर इट इज नॉट अनकॉमन फॉर दोज ब्लैंक स्पेस आफ्टर लॉन्ग ईयर्स इन प्रिजन, इट इज पॉसिबल टू आर्ग्यू दैट द कंपनसेशन प्रिंसिपल मे ओपन द फ्लड गेट्स फॉर इन्यूमरेबल क्लेम्स. तो बताइए बच्चों यहां पर आपको क्या लगता है सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके पास है, अरेस्टेड फॉर हीनियस ऑफेंसेज टू बी एक्जनरेटेड, वर अलाउड टू डेवलप देयर ओन सिस्टम, नीडेड टू बी डिसबैंडेड, डिजायर टू बी स्कैटर्ड अलॉन्ग विद प्रिंसिपल्स. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, सो हरी अप एंड आंसर गाइस, कम ऑन. Hurry up, guys, 20 seconds left now. Last 10 seconds, guys. Come on, what's the answer here? अब जाहिर सी बात है कि एक ऐसे देश की बात हो रही है जहां पर लंबे साल तक कैद में रहने के बाद एक पर्टिकुलर चीज की बात यहां पर की जा रही है. सो परहैप्स यू टॉकिंग अबाउट अ कंट्री वेयर पीपल कैन स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम इन प्रिजन, कैन स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम इन जेल, और उसके बाद कोई और एक्ट, कोई एक्ट घटना की बात हो रही है यहां पर देखा जाए तो. तो देखो बच्चों ऑप्शन ए आपके सामने है, अरेस्टेड फॉर हीनियस ऑफेंसेस टू बी एक्जोनरेटेड, क्या आपको लगता है ये होना चाहिए? ज्यादातर लोग कह रहे हैं ऑप्शन ए हो जाएगा. वर अलाउड टू डेवलप देयर ओन सिस्टम, क्या ये लग सकता है आपको? फॉर दोज वर अलाउड सिस्टम, नहीं यार, दोज के साथ वर तो अटैच नहीं हो रहा है तो इसीलिए हम कहते थे बी तो नहीं होगा. अच्छा सी में क्या है, दोज नीडेड टू बी डिसबैंडेड, नीड के साथ देखो बेनिफिट लगता है तो जाहिर सी बात है कि यहां पर टू भी नहीं होता है. फिर देखो डी में क्या है, डिजायर टू बी स्कैटर्ड अलॉन्ग द प्रिंसिपल्स. तो या तो बच्चों कह सकते हैं हम लोग या तो आपका जो आंसर है वो ए हो जाएगा या फिर देखा जाए तो आपका ये जो डी लग रहा है मे बी दिस इज द आंसर. तो फाइनल 2 सेकंड है आपके पास, बताइए बच्चों क्या लगा देंगे हम लोग यहां पर? ऑप्शन ए है, इज दैट द आंसर, इज ऑप्शन डी द आंसर, डिजायर टू बी स्कैटर्ड क्या ये सही जवाब है या फिर अरेस्टेड फॉर हीनियस ऑफेंसेस टू बी एक्जोनरेटेड ये सही जवाब है? क्या बोलते हो आप लोग? तो देखते हैं सही जवाब, लेट्स हैव द आंसर नाउ
एंड द आंसर इज ऑप्शन ए, अरेस्टेड फॉर हीनियस ऑफेंसेस टू बी एक्सोनरेटेड। भाई जाहिर सी बात है, मुझे याद है कुछ दिनों पहले ही जो है तंदूर केस में जो देखा जाए जो अपराधी थे जिन्होंने जो है अपनी वाइफ को मार करके, उनकी हत्या करके, मर्डर करके, उनको तंदूर में जो है लगा के उनकी पूरी बॉडी खराब कर दी थी। इनफैक्ट आप समझो कितना ज़्यादा हीनियस और घिनौना क्राइम है, और उसको भी देखा जाए आई थिंक अब विचार हो रहा है कोर्ट में कि उसको छोड़ दिया जाए। तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ हीनियस अ क्राइम ही डिड एंड हाउ इजली इज ही बीन लेफ्ट ऑफ, राइट? Especially when he was supposed to die in jail, he was supposed to rot in his complete life in jail, and now he'll be out so soon. Okay, so definitely, भाई उसने सामने की जिंदगी तो बर्बाद करी थी, और अपनी उसकी जिंदगी जो कि बर्बाद हो जानी चाहिए, खत्म भी हो जानी चाहिए, should have been hanged right away, but ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। चलो गाइस, anyway, so guys, third का A is the answer over here. चलिए आगे देखते हैं, next one number four क्या है? Let's see that. So while his honor and dignity were restored long back, blank space into the conduct of police officers concerned, it's disconcerting. तो ऑप्शन आपके पास है A, B, C, D, E. आपके हिसाब से बच्चों सही जवाब यहां क्या लगा देंगे हम लोग? टाइम स्टार्ट्स नाउ, सो हरी अप एंड आंसर गाइस, कम ऑन, टाइम अप प्लीज। ओके गाइस, 20 सेकेंड्स लेफ्ट टू आंसर, सो हरी अप। Just 10 seconds left now, guys. Come on. And the time is up. तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सवाल आपको अच्छे लग रहे होंगे। वेल ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। While his honor and dignity were restored long back, blank space into the conduct of police officers concerned is disconcerting. तो भाई अब देखा जाए, ऑप्शन ए है the terminations of the officials into the conduct. well, देखा जाए तो termination of the officials into the conduct नहीं होता है, शायद किसी देखा जाए inquiry की बात हो सकती है, entry की बात होती है, लेकिन termination of the officials suitable नहीं है, तो जाहिर सी बात है option A को हम नहीं लगाएंगे। फिर हम B की बात करते हैं, the delay in consequential inquiry, yes, that seems okay to be the answer. then देखो C में क्या दिया हुआ है, publicized insurance component of the program. Publicized insurance component of the program, well, it seems like an attractive option. फिर देखो D में दिया हुआ है, government has failed at every front into the conduct. well, every front के साथ into कहां से आ जाएगा? तो दरअसल बात है D तो नहीं आ सकता हमारे पास। तो अब आप बचाओ बच्चों, क्या B आंसर लग रहा है आपको या फिर C जो कि एक strong option है ये आंसर लग रहा है? दो सेकेंड है आपके पास, बताओ बच्चों क्या लगा देंगे? B, the delay in consequential inquiry, is this the answer? और publicized insurance component of the program, is this the answer? क्या बोलते हो आप लोग? well, let us see the final answer. Answer now, and the answer is, option B, the delay in a consequential inquiry, my dear friends. बिल्कुल जाहिर सी बात है, देखो C एक अच्छा option था, लेकिन inquiry के साथ into लगाएंगे हम, program के साथ into लगाने कोई मतलब नहीं बनता है, तो इसीलिए बच्चों fourth का B is the answer over here. तो चलिए देखो बच्चों, चार सवाल हो गए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी का level आपको पसंद आ रहा होगा, सभी जो हमारा effort है, हमारी टीम का effort है, ये पसंद आ रहा होगा, और सभी लोग फटाफट से लाइक भी कर रहे हो शो को, राइट? लाइक कर रहे हो ना? अगर नहीं किया है फट से लाइक कर दो और फिर लिख दो कमेंट सेक्शन में लाइक सर, कम ऑन गाइस, एवरीबॉडी जितने भी लोग हैं, ऑल द बॉयज ऑल द गर्ल्स, सो गाइस कम ऑन, फटाक से सभी लोग लाइक कर दो और फिर लिख लो लाइक सर। चलिए फिर देखते हैं अगला सवाल क्या है, नंबर पांच, लेट्स गो देयर। इफ बैंक्स फेल टू कंप्लाई विद द आरबीआईज न्यू रूल्स, ब्लैंक स्पेस स्विफ्ट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स अंडर द न्यू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, तो बताइए बच्चों यहां पर आपके हिसाब से क्या सही जवाब होना चाहिए? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इज देयर हैज टू बी प्रोसिक्यूशन ऑफ द, देन ऑप्शन बी इज द डिमांड्स ऑफ द पीपल विल नीड अ, देन ऑप्शन सी इज ईज इंडियाज एनुअल इन्फ्लेशन रेट, देन ऑप्शन डी इज दीज स्ट्रेस्ड एसेट्स हैड टू बी फोर्स्ड टू अंडरगो, एंड ऑप्शन ई इज नन ऑफ दीज। तो बताइए बच्चों आपके हिसाब से सही जवाब जो है वो क्या हो जाएगा? टाइम स्टार्ट्स नाउ, कैन वी हैव द टाइम अप प्लीज। Hurry up, people. Only 20 seconds left now, so hurry up. Last 10 seconds, guys. Come on. Okay, the time is up. All right. So, anyway guys, अब देखा जाए, if banks fail to comply with the RBI's new rules, blank space, swift insolvency proceedings. अब देखो
यहां पर काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज हमें चेक करना पड़ेगा कि इफ के साथ एक तो हमें देखना, देखो कॉमा लगा हुआ है तो देन तो नहीं आएगा, तो उसके बाद फिर क्या आ सकता है? देयर हैज टू बी प्रोसिक्यूशन ऑफ द स्विफ्ट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। देखो हम जो भी इस्तेमाल करेंगे दैट विल बी फॉर स्विफ्ट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। फिर ऑप्शन बी में क्या है? द डिमांड ऑफ द पीपल विल नीड अ स्विफ्ट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। नीड अ के साथ क्या स्विफ्ट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग आपको लगता है सही है? फिर अगला है इज इंडियाज एनुअल इन्फ्लेशन रेट, उसके साथ तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, तो जाहिर सी बात है बच्चों ये ऑप्शन सी तो काट दो, इसको तो आंसर नहीं लगाना है। फिर देखो डी में क्या है? दीज स्ट्रेस्ड एसेट्स हैड टू बी फोर्स्ड टू अंडरगो स्विफ्ट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। ये लग रहा है कि आपका आंसर हो सकता है, तो वैसे देखा जाए तो आपका आंसर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, और साथ ही में जो आपका ये डी है ये भी हो सकता है। तो आप बताओ बच्चों, दो सेकंड दे रहा हूं फटाक से, टेल मी गाइस व्हाट्स योर आंसर, इज इट ए, इज इट बी, इज इट डी? वैसे मैक्सिमम लोग कह रहे हैं सर डी लगा दो आंसर पे, चलो देखते हैं एक्चुअल आंसर क्या है। कैन वी हैव द आंसर? यस बिल्कुल, ऑप्शन डी बच्चों, दीज स्ट्रेस्ड एसेट्स हैड टू बी फोर्स्ड टू अंडरगो। जाहिर सी बात है बच्चों अंडरगो के साथ देखा जाए तो स्विफ्ट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स ही सूटेबल था और कुछ सूटेबल नहीं था, इसीलिए हम कह सकते हैं फिफ्थ का डी इज द आंसर ओवर हियर। तो बच्चों देखो पांच सवाल हो चुके हैं, आई होप सब लोग का स्कोर बढ़िया से बढ़ता जा रहा होगा। अभी 10 सवाल और हैं, तो कहीं मत जाना, स्टे विद अस टिल द लास्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट वन, नंबर 6 क्या है उसको देखते हैं बच्चों। अगला सवाल, सो द ट्रबल ऑफ पावर कंपनीज कैन बी ट्रेस्ड टू स्ट्रक्चरल इश्यूज सच एज द ब्लैंक स्पेस एंड अनसस्टेनेबल फाइनेंसेस ऑफ पब्लिक सेक्टर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। तो अब बताइए बच्चों, ऑप्शंस हैं ए बी सी डी ई, सही जवाब आपके हिसाब से क्या हो जाएगा? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, सो हरी अप एंड आंसर माय डियर फ्रेंड्स, कम ऑन। Okay guys, 20 seconds left now, so hurry up. Just 10 seconds left now guys, come on. The time is up guys. Well, the troubles of power companies can be traced to structural issues such as the blank space and the unsustainable finances of public sector power distribution companies. तो देखिए बच्चों, as the such as the blank space यहां पर क्या लगाएंगे? Behaviors which should in turn impact the broad outcomes, या फिर option B absence of meaningful price reforms, unreliable fuel supply. ओके, फिर अगला है ऑप्शन सी मैन्युफैक्चर एंड ट्रांसपोर्ट मेंटेनेंस, या फिर ऑप्शन डी अवेलेबल ऑफ प्रॉपर फ्यूल सप्लाई एंड ऑल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। तो बच्चों ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आई कैन सी मैक्सिमम लोग यहां पर समझ नहीं पा रहे हैं कि जवाब क्या होगा, बहुत वैरायटी भी आ रही है, तो लेट्स सी द एक्चुअल आंसर। सही जवाब क्या है उसको देखते हैं फटाक से, एंड इट इज ऑप्शन बी एब्सेंस ऑफ मीनिंगफुल प्राइस रिफॉर्म्स अनरिलायबल फ्यूल सप्लाई। जाहिर सी बात है बच्चों, अगर प्राइस रिफॉर्म ढंग से नहीं आएगा, प्रॉपर प्राइस क्या होना चाहिए ये नहीं बताया जाएगा, फ्यूल सप्लाई में गड़बड़ी होगी तो पावर टैरिफ में भी गड़बड़ियां होंगी, पावर कंपनियां गड़बड़ी करेंगी भी। ठीक है बच्चों, तो 6 सवाल हो चुके, चलते हम लोग अगले सवाल पर, नंबर 7, लेट्स सी दैट नाउ। सो एज इंडियंस वी आर ब्लैंक स्पेस ऑफ आर गवर्नेंस एंड आर कॉन्स्टिट्यूशन विच हैज इंश्योर्ड दैट इंडिया इज बोथ अ डेमोक्रेसी एंड अ रिपब्लिक। बहुत ही आसान सा और बढ़िया सवाल है, तो मैं चाहता हूं सब लोग सही जवाब देना इस बार। ऑप्शन ए इज जस्टली प्राउड ऑफ द स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी इज अशेम्ड ऑफ द स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी इज पॉजिटिवली अफेक्टेड बाय द कमेंसमेंट, ऑप्शन डी इज जॉइंटली सस्टेन बाय द क्वालिटी, ऑप्शन ई इज नन ऑफ दीज। तो बताइए बच्चों यहां पर सही जवाब क्या लगा लेंगे आप? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, सो हरी अप एंड आंसर माय डियर फ्रेंड्स। ट्वेंटी सेकेंड्स लेफ्ट गाइस, सो हरी अप एंड आंसर, कम ऑन। Okay guys, only 5 seconds left now, so hurry up. Well, the time is up guys. So, as Indians, we are blank space of our governance. तो बच्चों देखो यहां पर justly proud of the structure, ashamed of the structure, positively affected by the commencement, या jointly sustained by the quality of. अब देखा जाए बच्चों तो ऑप्शन बी के अलावा सभी ऐसे ऑप्शंस हैं, ए भी लग रहा है हो सकता है, सी भी लग रहा है हो सकता है, और डी भी लग रहा है कि आंसर हो ही सकता है। तो ए सी और डी, इन तीन में से बच्चों एक आंसर होगा,
ठीक है, अब आपके हिसाब से क्या लगता है आप लोगों को, बिकॉज मैं मैक्सिमम लोगों को देख रहा हूं, तो मैक्सिमम लोग कह रहे हैं सर ऑप्शन ए जस्टली प्राउड ऑफ द स्ट्रक्चर, बिल्कुल कुछ लोग पॉजिटिवली भी कह रहे हैं और कुछ लोग डी भी कह रहे हैं, तो एक्चुअल आंसर क्या है, लेट्स सी दैट, कैन वी हैव द आंसर प्लीज. Well, it is definitely option A, guys. Justly proud of the structure. जाहिर सी बात है, इतना शानदार सा कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारा देश इतना बढ़िया है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर. तो सेवेंथ का A बच्चों, सेवेंथ का A is the answer, and I hope that this is clear to all of you. और सभी लोगों ने बढ़िया से इसको लगा भी दिया होगा. वैसे बच्चों 7 सवाल हो चुके हैं और तकरीबन 8 सवाल और बाकी हैं. सभी सवाल लेटेस्ट पैटर्न के हैं और जाहिर सी बात है ऐसे सवाल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट में आपको लेटेस्ट पैटर्न सवाल मिलते रहे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें. तो गाइस आई होप तुमने सब्सक्राइब कर लिया होगा, बट तब भी मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो और बेल बटन को टैप भी कर लो. ओके गाइस, सो सब्सक्राइब एवरीबॉडी एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन सब्सक्राइब सर. सभी लोग, ऑल द लेडीज, ऑल द जेंटलमैन, सब्सक्राइब टू 247 एंड राइट डाउन सब्सक्राइब सर. फटाफट गाइस, कम ऑन, हरी अप, फटाक से सब लोग सब्सक्राइब कर लो और लिख दो सब्सक्राइब सर. चलिए फिर आगे देखते हैं, नेक्स्ट वन नंबर 8 क्या है, लेट्स सी दैट. So the constitution which came into force in 950 blank space given a set of inviolable freedoms, 1950 tha mere khayal se, ye 90 laga diya galti se, blank space given a set of inviolable freedoms including equality before the law and freedom of expression. To isme aapke hisab se kya ho jayega, options are a b c d e, time starts now, so hurry up and answer my dear friends, come on. Okay, the time is up. So, well, the constitution which came into force in 1950, blank space, given a set of inviolable freedoms, including equality before the law and freedom of expression. तो बच्चों देखा जाए तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है will have to pressurize the will have okay have been ensured by the Indian citizens. फिर अगला है had ensured that the Indian citizens were, option D is combining large scale information. तो बच्चों ये चारों बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं और लोग एक बार फिर से कंफ्यूज दिख रहे हैं, तो आप देरी नहीं करेंगे, इस बार हम लोग दिखा देते हैं सही जवाब क्या है. कैन वी हैव द आंसर प्लीज, एंड इट इज ऑप्शन सी, हैड इंश्योर्ड. देखो 1950 में आया था, हैड इंश्योर्ड दैट इंडियन सिटीजंस वर गिवन अ सेट ऑफ इनवायलेबल फ्रीडम्स. ओके, तो बिल्कुल बहुत ही सबको बहुत ज्यादा फ्रीडम मिली है सरकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से, तो इसलिए इसका हमें सम्मान करना चाहिए. तो गाइस एट का सी इज द आंसर एंड आई होप सबने इसको लगा भी लिया होगा. राइट गाइस, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 9 क्या है, लेट्स सी दैट नाउ, नेक्स्ट वन. ओके, सो द राइट स्टार्ट टू लाइफ इज फ्यूल्ड बाय अ सिस्टम ब्लैंक स्पेस फॉर द प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर विच देन गेट्स एक्सटेंडेड टू द चाइल्ड. तो ऑप्शन आपके पास है, डिपेंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट एड मेंटेन एंड ऑर्गेनाइज्ड इन लैकिंग न्यूट्रिटिव केयर एंश्योरिंग होलसम न्यूट्रिटिव केयर एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सो हरी अप गाइस, कम ऑन. ओके गाइस, 20 सेकंड्स लेफ्ट नाउ, हरी अप. टेन सेकेंड बच्चों, बताइए जवाब क्या हो जाएगा यहां पे. ओके, द टाइम इज अप. तो बच्चों देखा जाए यहां पर सभी लोग बहुत ही बढ़िया से जवाब लगा रहे हैं और बिल्कुल भाई सही तरीके से जीवन की शुरुआत जो है वो कैसे होती है उसकी बात हो रही है यहाँ पर. तो पहली बात तो आप सरकारी मतलब सरकारी हेल्प पर डिपेंड रहें तो ऐसा तो नहीं होता है, जाहिर सी बात है, तो ऑप्शन ए नहीं लगा सकते हैं. मेंटेन एंड ऑर्गेनाइज्ड इन, मे बी दिस इज द आंसर. लैकिंग न्यूट्रिटिव केयर, भाई सही शुरुआत में लैकिंग कमी कहाँ से आ जाएगी, सी तो नहीं होगा. डी देखो हो सकता है, इंश्योरिंग होलसम न्यूट्रिटिव केयर. वैसे मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम लोग डी लगा भी रहे हैं, चलो फिर भी 2 सेकंड दे रहा हूँ, बताओ बच्चों क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी इज द आंसर या ऑप्शन डी इज द आंसर, क्या बोलते हो आप लोग, मेंटेन सही है या फिर इंश्योरिंग होलसम न्यूट्रिटिव केयर, क्या बोलते हैं आप लोग, चलिए देखते हैं सही जवाब क्या है. कैन वी हैव द आंसर प्लीज, इट इज इंश्योरिंग
होलसम न्यूट्रिटिव केयर. ओके, तो जो आपका नाइन्थ का डी है बच्चों, जाहिर सी बात है भाई, जब परफेक्ट किसी भी प्रेग्नेंट मदर की आप अच्छे से ख्याल रखते हो तो उसका बेबी भी अच्छा ही होता है, हेल्दी होता है ना. तो नाइन्थ का डी बच्चों, दैट इज द करेक्ट आंसर, और जीवन की शुरुआत ऐसे हो जाती है. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन नंबर 10 क्या उसको देखते हैं. ओके, इन ऑर्डर टू एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ राइट एंड हेल्दी स्टार्ट टू द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन, द यूनियन गवर्नमेंट ब्लैंक स्पेस अंडर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम. ओके, ऑप्शन आपके पास है ए बी सी डी ई. बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, सो हरी अप एंड आंसर माय डियर फ्रेंड्स, कम ऑन. सो 20 सेकंड्स लेफ्ट गाइस, हरी अप एंड आंसर, कम ऑन. लास्ट 10 सेकंड्स गाइस, कम ऑन. Okay, the time is up. All right. So, in order to emphasize the importance of a right and healthy start to the lives of children, the Union Government blank space under the Integrated Child Development Scheme. फिर आगे देखा जाए तो यूनियन गवर्नमेंट की बात हो रही है यहां पर, तो ऑप्शन ए है रन्स एन एक्सटेंसिव पब्लिक हेल्थ सिस्टम नेटवर्क. ओके, तो ये देखा जाए वैसे सूटेबल लग रहा है. फिर बी में देखा जाए हुआ है क्लेम क्रेडिट फॉर द प्रोजेक्ट्स अकॉम्प्लिश्ड. वेल, यूनियन गवर्नमेंट ऐसा क्यों करेगी, है ना, बिकॉज यहां पर देखा जाए तो ICDS की बात हो रही है, इसलिए उसमें ऑप्शन बी नहीं लग रहा है सही सूटेबल. देखो ऑप्शन सी में दिया हुआ है मेंटेन्स एंड फेवर्स अ इशू. वेल, एन इशू होता तो मान लेते हैं, बट अ इशू नहीं हो सकता, अ के साथ वोवल आएगा, कंसोनेंट नहीं आएगा. देखो डी में दिया हुआ है नीड्स टू बी मेड एप्लीकेबल टू द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अंडर द ICDS. वेल गाइज, ऐसा नहीं लगता है मुझे, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन डी नहीं होगा, और इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है कि टेंथ का ए हैज टू बी द आंसर. देख भी लेते हैं एक बार, कैन वी हैव द आंसर. यस, इट इज टेंथ का ए बच्चों, और सभी लोग यहां पर वैसे लगा भी रहे थे टेंथ का ए फटाफट से. तो बच्चों ये जो न्यू पैटर्न सवाल है, आई होप पसंद आपको आ रहे होंगे, और क्या आप चाहते हैं ऐसे ही न्यू पैटर्न सवाल आप प्रैक्टिस करना इवन पीडीएफ के साथ. बताओ बच्चों कि आपको पीडीएफ चाहिए आज के सवालों की, कि आपको लगता है ये सवाल आपको पीडीएफ से भी मिलके चाहिए, आप उसका भी प्रैक्टिस करना चाहेंगे, बताइए. डू यू वांट टू डू दैट? यस, तो इफ यू वांट टू डू दैट, सभी लोग लिख लो यस सर वांट द पीडीएफ. जिनको भी पीडीएफ चाहिए सवालों का आज के, सब लोग लिख लो यस सर वांट द पीडीएफ. चलिए नेक्स्ट वन, नंबर 11 देखते हैं. असाइड फ्रॉम द क्वेश्चन ऑफ इमिग्रेशन, द हेल्थ सर्विस वॉज कंसिस्टेंटली जस्ट टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू इन सर्टन पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ठीक है, ब्लैंक स्पेस दैन एजुकेशन एंड इक्वालिटी. तो गाइज ये दो बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब पॉइंट्स हैं. ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए इज हेल्थ एंड इमिग्रेशन वर हैंड इन हैंड, बी इज इमिग्रेशन वॉज अकॉर्डेड अ लोअर प्रायोरिटी, सी इज मेकिंग द मोस्ट ऑफ द हेल्थ बेनिफिट वॉज प्रायोरिटी, ऑप्शन डी इज द टैक्स दैट वॉज इंप्लीमेंटेड वॉज बेनिफिशियल, एंड ऑप्शन ई इज नन ऑफ दीज. तो बताइए बच्चों यहां से जवाब क्या हो जाएगा. टाइम स्टार्ट्स नाउ, सो हरी अप एंड आंसर नाउ, कम ऑन. Well, the time is up. All right. So, aside from the question of immigration, the health service was consistently judged to be the most important issue in certain parts of the country, blank space than education and equality. तो जाहिर सी बात है इससे भी ज्यादा important समझा जा रहा था, ये शायद केस था यहां पर. Anyway, well, अब ऑप्शन अगर हम बात करें, health and immigration were hand in hand, immigration was recorded a lower priority than education and equality. Okay. मेकिंग द मोस्ट ऑफ द हेल्थ बेनिफिट वॉज प्रायोरिटी दैन, ये वैसे लग रहा है हो सकता है आंसर हो, बिकॉज देखो हेल्थ से सूटेबल भी लग रहा है. फिर ऑप्शन डी में दिया हुआ द टैक्स वॉज दैट वॉज इम्प्लीमेंटेड वॉज बेनिफिशियल दैन एजुकेशन एंड क्वालिटी. वेल, लेट्स सी द करेक्ट आंसर, कैन वी हैव द आंसर प्लीज. एंड वेल, इट इज ऑप्शन बी. मैंने आपसे कहा था कि ऑप्शन सी देखो ज्यादा सूटेबल लग रहा है, एंड इट वॉज वेरी नाइस ट्रिक टू कंफ्यूज यू ऑल. उम्मीद करता हूं लोग कंफ्यूज हुए भी होंगे. वेल बच्चों देखो यहां पर, असाइड फ्रॉम द क्वेश्चन ऑफ इमिग्रेशन, पहली बात हो गई थी
ठीक है, द हेल्थ सर्विस वॉज कंसिडर्ड जस्ट टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू इन सर्टन पार्ट ऑफ द कंट्री. इमिग्रेशन वॉज अकॉर्डिंग अ लोअर प्रायोरिटी दैन एजुकेशन एंड इक्वालिटी. तो हेल्थ की बात तो थी लेकिन हेल्थ का पॉइंट कंप्लीट हो गया था, बट इमिग्रेशन का पॉइंट बस कॉमन लगा के छोड़ दिया गया था शुरुआत में ही, और उसको कंप्लीट किया गया ऑप्शन बी के जरिए. तो 11th का बी बच्चों इज द करेक्ट आंसर. और हाँ, जितने भी लोग लिख रहे हैं सर वन द पीडीएफ, हालांकि बहुत सारे लोगों ने लिखा सर वन द पीडीएफ, तो भाई सभी लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे कि SBI का फॉर्म फिल करने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, तो वैसे आपको पता होगा कि एलिजिबिलिटी जो है आज के शो के PDF को पाने के लिए वो ये है कि आप सबको वीडियो जितनी बार हो सकता है, जितने लोगों के साथ हो सकता है, वो शेयर करना पड़ेगा. तो टेलीग्राम पे आप लोग होंगे, चैनल पे भी होंगे, ग्रुप पे भी होंगे, बहुत सारे फेसबुक के ग्रुप्स में भी होंगे, इंडिविजुअल अकाउंट भी होगा आप लोगों का, और वैसे ही व्हाट्सएप में भी आप अलग अलग ग्रुप्स में भी होंगे, आपके अपने जो हैं चैनल्स भी होंगे. तो हर जगह इस वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड डेफिनेटली यू विल गेट द PDF. ओके बच्चों, सो शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन, एज मतलब जहां चाहो वहां पर शेयर करो एंड यू विल गेट द PDF फॉर श्योर. चलिए नेक्स्ट वन, नंबर 12 क्या है इसको देखते हैं. So, and even though blank space about hygiene procedures, vaccination is not such a feared experience anymore, and institutional deliveries are happening, there is still a long way to go for the children of this community to attain optimum nutritional statuses. So, bachcho, dekhiye, aapka jo samay hai, wo shuru hota hai. Ab bataiye mujhe sahi jawab kya ho jayega? Hurry up, guys! 10 seconds left now. Hurry up. Only 10 seconds left now. Come on, people. So anyway, अब देखा जाए बच्चों तो and even though blank space, तो देखो जाहिर सी बात है हाइजीन प्रोसीजर के रिगार्डिंग जो है मेरे ख्याल से शायद सतर्कता जो है वो बढ़ गया है काफ़ी ज़्यादा, उसकी बात हो रही होगी यहाँ पर, या हो सकता है कुछ परेशानी भी हो, शायद उसकी बात भी हो रही हो. तो एनी वे ऑप्शन ए देखा जाए देयर माइंड डिस्टर्बेंसेज इन है इन के साथ, लेकिन अबाउट हाइजीन प्रोसीजर्स तो नहीं आएगा, है कि नहीं? तो जाहिर सी बात है ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता. फिर देखो बी में दिया हुआ देयर हैज बीन डिसायरेबल एफर्ट इन, वंस अगेन इन अबाउट हाइजीन, नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता. फिर देखो उसमें सी में क्या दिया, देयर हैज बीन इंक्रीज एग्जामिनेशन अबाउट, हो सकता है There has been increased awareness about, ये तो पक्का हो सकता है. तो बच्चों सी या डी में से एक आंसर होगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज वैसे लग रहे हैं, बट आई एम गोना गिव यू फाइनल 2 सेकंड्स. बताओ बच्चों क्या लगा दें, सी लगा दें डी लगा दें, टेल मी गाइस एवरीबॉडी, क्या इंक्रीज एग्जामिनेशन की बात होनी चाहिए सही से, या फिर इंक्रीज अवेयरनेस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या लगता है आपको? वेल गाइस दिखा देते हैं आंसर क्या है, कैन वी हैव द आंसर प्लीज. वेल बच्चों यहां पर इंक्रीज एग्जामिनेशन अबाउट हाइजीन प्रोसीजर्स से काम चलेगा, जाहिर सी बात है. सिर्फ अवेयरनेस तो देखो उसका एक स्टार्टिंग थॉट होता है, जाके चेक करना कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, दैट इज द मेन पॉइंट, है ना बच्चों? तो इसीलिए 12th का सी जो है ये सही जवाब है. बहुत सारे लोगों का दिल टूट गया, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, बट गाइज दिस इज द एक्चुअल आंसर. ओके, आई होप सब लोग वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं. चलिए फिर नेक्स्ट वन देखते हैं, नंबर 13, लेट्स सी दैट. Almost all human beings blank space from regular work, especially those retiring from high official and corporate perches. So, bachcho, options aapke paas hai, requires retirement, dread retirement, fear leaves, or post retirement. None of these. Isme se sahi jawab kya ho jayega? Time starts now. So, hurry up and answer. Okay, 10 seconds left, guys. Come on. अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर अब तो जॉब मिले ही नहीं, आप तो पहले ही रिटायरमेंट की बात करने लग गए. वेल बच्चों एक सवाल है, दिल पे मत लो. एनीवे, तो देखो पहली बात तो ये है कि सवाल में आप देख सकते हो रिटायरिंग की बात हो रही है, तो ऑप्शन सी जो है ये तो अपने आप नहीं होगा. अब सी, ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमन बींग्स प्लूरल सब्जेक्ट है, रिक्वायर्स सिंगुलर वर्ब है, तो ये भी नहीं होगा. अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज ऑप्शन बी ड्रेड रिटायरमेंट, ये हो सकता है, या फिर देखा जाए जो आपका दिया हुआ है यहां पर अपोज रिटायरमेंट, ये भी हो सकता है, या तो बी होगा या तो डी होगा. बताओ बच्चों क्या लगता है आप लोगों को, अपोज करना सही है या फिर ड्रेड
is a better word. What do you say, guys? Come on, tell me. How many of you say B is the answer? Final answer, guys. Come on. B is the answer. Aur kitne log keh rahe hain, nahi sir, D hona chahiye, opposed retirement. Well, let us see the actual answer. Can we have that, please? Well, bachcho, dread retirement grammatically bhi sahi hai aur asliyat bhi hai. हर कोई चाहता है, अरे यार शिट रिटायरमेंट हो जाएंगे तो एक रेगुलर जो सैलरी आती है वो रुक जाती है, जो रेगुलर आपका दिनचर्या होती है वो खत्म हो जाती है. बट जाहिर सी बात है, एक समय के बाद आप उतने एफिशिएंट नहीं रह जाते हो. ह्यूमन बीइंग्स है, बायोलॉजिकल बीइंग्स है, तो जाहिर सी बात है आज मैं पढ़ा रहा हूँ, बट जरूरी नहीं है कि 40 साल के बाद भी यही काम कर रहा होगा, है कि नहीं गाइस. सो एनीवे, तो 13th का भी बच्चों दैट इज द करेक्ट आंसर एंड आई होप आपने इसको लगा लिया होगा. चलिए नेक्स्ट वन चलते हैं. नंबर 14 क्या है, लेट्स सी दैट नाउ. Okay, so one of the major functions of the dams is flood protection, blank space, the flow of water and its impact downstream. So, tell me, kids, what do you think of your opinion? A, B, C, D, E, 5 options are in which one answer is, what will happen? Your time starts now. So, hurry up and answer, guys. Come on. So, 20 seconds left, guys. Hurry up and answer. Come on. Okay, last 10 seconds, guys. Hurry up. Well, the time is up. All right. So, one of the major functions of the dam is flood protection, blank space, the flow of water, and its impact downstream. So, देखो बच्चों, blank space में देखा जाए तो यहाँ पर options आपके पास हैं to measure, to attenuate. To attenuate, to duplicate, to dismantle, इनमें से एक आपका आंसर होगा, जाहिर सी बात है. तो टू मेजर, ये तो ज्यादातर लोग कह रहे हैं सर ऑप्शन ए इज द आंसर. वेल देख लेते हैं सही जवाब एग्जैक्टली क्या है. कैन वी हैव द आंसर नाउ? वेल ऐसा नहीं होता कि सिर्फ मेजर करता है पानी कोई भी डैम, है ना. सी द पॉइंट इज, फंक्शन ऑफ द डैम इज फ्लड प्रोटेक्शन, टू अटेन्यूएट द फ्लो ऑफ वाटर. उसको देखा जाए तो मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फ्लो बना के रखना, मेंटेन करना, कब रोकना है तो रोक देना, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. और इसीलिए 14th का बी इज द आंसर एंड नॉट 14th का ए. ओके गाइस, सो आई होप ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट क्या था यहाँ पर. तो चलिए अब आ गए हम लोग आखिरी सवाल के आज के सेशन पे. तो लेट्स गो टू नंबर 15 देन. So admittedly, the change in topography due to human interventions and climate change, blank space, the sporadic and excess rainfall. So isme sahi jawab ke hisab se kya ho jayega bachcho? Your time starts now. So hurry up and answer everybody. Come on. Okay guys. So 20 seconds left to answer. Hurry up. Last 10 seconds, guys. Come on. What's the answer here? Well, the time is up. So, anyway. तो अब देखा जाए बच्चों, तो एडमिटेडली द चेंज इन टोमोग्राफी ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन एंड क्लाइमेट चेंज, ब्लैंक स्पेस. तो भाई ऑब्वियस है, इट्स प्रिटी श्योर कि द चेंज इन टोमोग्राफी ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन एंड क्लाइमेट चेंज. बहुत सारे लोग सोच रहे हैं सर हैव लगा देंगे, हैव लगा देंगे. बेटा द चेंज इन टोपोग्राफी की बात हो रही है, ये आपका मेन सब्जेक्ट है. तो हैव मत सोचिए, आप शुड बी सिंगुलर, ठीक है. जिसका मतलब क्या है, शुड बी ऑप्शन सी. तो देखते हैं एक्चुअल आंसर क्या है. कैन वी हैव द एक्चुअल आंसर? एंड इट इज ऑप्शन सी, हैज कंट्रीब्यूटेड टू द स्पोरैडिक एंड एक्सेस रेनफॉल. ज्यादा कुछ सोचने का था ही नहीं, द चेंज इन टोपोग्राफी वॉज द मेन पॉइंट, है ना. उस पर फोकस देना था आपको, वो सिंगुलर था, तो इसीलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को चूज किया. 15th का सी इज द आंसर ओवर हियर. ओके गाइस, सो लेट्स रिमूव द स्लाइड नाउ. जरा हटा लेते हैं हम लोग स्लाइड को यहां पर. तो बच्चों देखो, 15 के 15 सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं. मैं उम्मीद करता हूं सब लोगों का सेशन जो है बढ़िया सा गया होगा, सबने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा. जिसको भी जिनको भी पीडीएफ चाहिए, वो सभी लोग पहले बात तो टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके, जो मेरा ग्रुप है इंग्लिश बाय सौरभ सर, उसको ज्वाइन कर लें. इट इज इंग्लिश बाय सौरभ सर, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप. और उसमें आपको जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा. साथ ही में अपने फ्रेंड्स को भी जोड़ देना, ताकि उनको भी पीडीएफ मिल जाए. ओके गाइस, सो दैट वॉज ऑल इन टुडेज सेशन. नाउ अगेन आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन, पीस आउट.